अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीडियो के अंदर जो आपकी एस पी एस 641 की फर्स्ट असाइनमेंट आई है उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं कि अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं जो कि एक्सेल के अंदर ये दी हुई है। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ब्लॉक के अंदर क्या कहता है कि जो सेल G1 है, ठीक है, यहाँ पे आप स्पॉटलाइट को फॉलो करें। क्या ये देखें यहाँ पे इन सेल G1 काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ इन रेंज फ्रॉम D2 टू D9। तो हम अपनी फाइल पे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो काउंट के लिए असाइनमेंट डाटा की तरफ आए। तो ये जो सबसे पहला ये सेल है, ये सेल हमारा G1 सेल है। देखिए ऊपर ये G लिखा हुआ है और ये फर्स्ट रो है। इसके अंदर हमने इसको काउंट करना है। तो काउंट करने का हम जो इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले आपने इस सेल के अंदर इक्वल, ठीक है, इक्वल के बाद आप काउंट लिखने लगेंगे। ये नीचे देखें ये फंक्शन आ गया, इसको यहाँ से डबल क्लिक से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप किन वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं उन तमाम वैल्यूज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये उसने हमें काउंट करके जो है वो दे दिए। यहाँ पे हमें एवरेज फाइंड करने के लिए कह रहा है बिटवीन द मिडल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 4 और 5, एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन की और एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की। इसके लिए भी हम क्या करेंगे इज इक्वल टू हम ए बी ई इतना लिखेंगे। तो नीचे देखें यहाँ पे ये एवरेज लिखा हुआ, हम एवरेज पर डबल क्लिक करते हैं। इन दो वैल्यूज की हमने एवरेज लेनी है, एक फोर्थ वैल्यू और एक फिफ्थ वैल्यू। इन दो वैल्यूज को सिलेक्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर का बटन प्रेस करें। ये आपके पास जो है वो एवरेज फाइंड हो गई। आगे आपको मीडियन फाइंड करने को इसके अंदर कहता है। तो इसके अंदर भी हम इक्वल, ठीक है, MED इतना लिखेंगे। तो ये नीचे मीडियन का फंक्शन आ गया, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें। मीडियन चूंकि हमने तमाम वैल्यूज में से फाइंड करना है तो इन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करें। तो ये आपके पास जो है मीडियन फाइंड हो जाएगा। आगे आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए याद रखें कि हम क्या करते होते हैं इज इक्वल टू AVERA, ये एवरेज का फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मीन हमने फाइंड करना है इन तमाम हमने मीन फाइंड करना है, सॉरी, मीन की जो रेंज हमें दी हुई है वो रेंज हमें मीन की, एक मिनट, रेंज हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। मीन की रेंज जो वो हमें कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द मीन D2 to D9। हाँ जी, तमाम की जो है ना वो हमने मीन फाइंड करना है तमाम वैल्यूज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं के वापस चलते हैं अपनी फाइल की तरफ जो जिसमें असाइनमेंट डाटा है एवरेज, ठीक है, तमाम वैल्यूज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, दोबारा एक दफा इसको चेक कर लें, इज इक्वल टू AVE एवरेज, डबल क्लिक से सिलेक्ट, तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये हमारे पास एवरेज फाइंड हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है सिर्फ ईयर 2017 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल SUM सम पैरेंथेसिस 2007 की सिर्फ वैल्यूज लेनी है। तो हम 2007 की वैल्यूज को सिलेक्ट करके, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 177866। तो ये पांच चीजें जो उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए की थी, ये पांचों चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, और हमारी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है।